अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एडोब फोटोशॉप। आज आपको एडोब फोटोशॉप में मैं तीन चार टूल समझाऊंगा। तो वो चार टूल कौन से होंगे? वो चार टूल होंगे ये वाले। एक होगा स्पॉट्स, एक होगा ये हीलिंग टूल्स, एक होगा पेच टूल, एक होगा रेड आई टूल। तो सबसे पहले मैं बिना टाइम ज़ाया किए आपको पेच टूल समझा दूँ। पेच टूल का क्या काम होता है? पेच टूल का काम होता है रिप्लेस करना, ठीक है। तो ये एक मेरे पास इमेज ओपन है, मैं चाहता हूँ कि ये शेर और इसका बच्चा यहाँ से गायब हो जाए। तो इस पूरे के लिए मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करूँगा। पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसके ऊपर बीच में क्लिक करके इसको इस तरीके से आगे कर दूँगा और इसको मैं यूँ कर दूँगा और इंटर प्रेस कर दें या कंट्रोल डी कर दें तो सिलेक्शन हट जाएगी और ये हो गया रिमूव, रिप्लेस कर दिया। फिर इसके बाद दूसरे भी टूल्स हैं कुछ, तो आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। ओपन करने का तरीका है कंट्रोल ओ या तो डायरेक्ट ओपन। ओपन करने के बाद इधर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो मैं आपको कुछ इमेजेस बताऊं। तो सबसे पहले मेरे पास इधर एक इमेज है ये वाली, ये आई है रेड। तो आज मैं आपको रेड आई यूज़ करना भी बताऊँगा। तो रेड आई टूल यूज़ करने का तरीका है, रेड आई टू पर आप क्लिक करें और बिल्कुल सिर्फ बीच में इसकी आइस पे क्लिक करना है और इसकी आइस में बीच में क्लिक करना है, तो ये रेड आई ब्लैक हो जाएंगी। ये ज़्यादातर कैमरे की इशू की वजह से आते हैं, कभी कभी रेड आई रेड कलर की आइस आ जाती है या तो फिर ब्लू या फिर ग्रीन। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये आइस ब्लैक हो जाएगी। तो ये दूसरा टूल। और थर्ड टूल आपको मैं समझाऊँ, तो आप इसमें कंट्रोल ओ कर लेता हूँ और इसके बाद कुछ यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है ये वाली, तो इसमें से मैं आपको ये एक्नीज रिमूव करना सिखाऊंगा। तो इसको आप क्या करें, इधर से जाके ये है स्पॉट हीलिंग टूल, आप इस पर जाके क्लिक करें। आप इसकी साइज बड़ी या छोटी किस तरीके से कर सकते हैं, कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन है तो कंट्रोल के बटन को लेफ्ट वाले को करेंगे तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी, राइट वाले को करेंगे तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करें, जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो इससे इसके रिमूव हो जाएंगे। इसका क्या तरीका है, आप जो जो स्क्रीन साफ़ है, जैसे यहाँ की तरफ स्क्रीन साफ़ है, तो मैं कीबोर्ड पे अल्ट का बटन प्रेस करके रखता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब इसके बाद ये जहाँ पे भी मैं रिमूव करूँगा उसी स्क्रीन की तरह इसका कलर हो जाएगा, इस स्क्रीन का भी कलर उसी स्क्रीन की तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसके दाने रिमूव कर सकता हूँ, कलर भी साफ़ हो जाएगा, स्क्रीन पर धब्बे भी हट जाएंगे और दाने भी हट जाएंगे। अब इसके बाद एक और टूल है, एक ये टूल है, देखिए स्किन पूरी इसकी साफ़ हो गई है। इससे में एक और भी टूल है, वो है हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल के अंदर आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ का दाना रिमूव हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास ब्रश डाउनलोड नहीं किया हुआ था तो फिलहाल ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये यूज़ करना बताता हूँ। लेकिन आप इसको अगर यूज़ करना सीख जाते हैं तो वो भी यूज़ करना बिल्कुल इसी तरीके से ईजी है। इन सब पर आप क्लिक करते रहें तो ये सारे दाने इसके रिमूव हो जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।